अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। स्क्रीन पर जो आप ये बोर्ड देख रहे हैं, नगर परिषद सिवान लिखा हुआ है। और आपको हम ये भी बताते चलें कि सिवान कुछ भारत के कुछ बहुत गंदे शहरों में से एक है, और ये बात आप बखूबी जानते होंगे। आज जो स्क्रीन पे जो लोग दिख रहे हैं, जिला कांग्रेस कमेटी के लोग हैं। अभी थोड़ी देर पहले जिला कांग्रेस कमेटी के ये लोग कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद सिवान से मिले हैं और ज्ञापन दिया है। क्या कुछ कहा गया है ज्ञापन में, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब, अभी आप मिलकर आए हैं कार्यपालक पदाधिकारी से, किस सिलसिले में ये मुलाकात थी? शहर की आबोहवा को लेकर के जो सिवान शहर के बाशिंदे हैं उनके बीच में काफ़ी गुस्सा था, और उसी गुस्से को कांग्रेस पार्टी और हमारे ज़िला अध्यक्ष और जो भी हमारा जो डेलीगेशन है उन लोगों ने रिकॉग्नाइज़ किया, और बाज़ाब्ते हम लोगों की टीम ने नगर पालिका के कार्य प्रणाली पर पूरा शोध किया और ये पता लगाया कि 59 लाख रुपया महीना ये नगर पालिका जो है हर महीना हमारे टैक्स से 59 लाख रुपया खर्च करती है साफ सफाई के नाम पर। और 59 लाख रुपया महीना खर्च करने के बाद भी जो सिवान शहर की स्थिति है वो किसी डंपिंग यार्ड से ज़्यादा नहीं है। हर जगह कूड़ा कचड़े का अंबार है। तो उसी सिलसिले में हम लोगों ने आज मुलाकात किया है। नगर वासियों की गाढ़ी कमाई के पैसे हैं जो टैक्स के रूप में सरकार जो नगर पालिका नगर परिषद ले रही है, उस पैसे का खुला दुरुपयोग हो रहा है। और इस इतना पुराना नगर परिषद होते हुए भी सिवान का, और इसके पास डंपिंग पॉइंट नहीं है, यह एक आश्चर्य की बात है। और जो डंपिंग पॉइंट लिया गया उसका जो विवाद हो गया वह तो सिवान की जनता के लिए नगर आँख बंद डिब्बा गोल वाली स्थिति है जी। आँख बंद और 4 करोड़ रुपया में वो कहाँ गया? खैर, उस पर तो अभी जांच चल रही है। जांच चल रही है, जांच का विषय है। लेकिन सिवान की जनता के साथ कितना बड़ा धोखा किया गया। और कमाल की बात तो यह है कि हमको यह कहने में तनिक भी हिचकिचाहट नहीं है कि इसमें सरकारी दल का और सरकार बिहार सरकार के संरक्षण में यह काम किया गया है। आज हम लोगों ने यह बात, मतलब बिहार सरकार मिली हुई है जी, बिल्कुल बिहार सरकार मिली हुई है। इतना हल्ला हुआ, इतना हम लोगों ने धरना दिया, नगर पार्षदों ने भी धरना दिया। अब जा करके थोड़ी सुगबुगाहट हुई है, लेकिन अभी इस मसले पर तो कूड़े की सफाई और डंपिंग पॉइंट पर तो अभी सरकार सोई हुई है। तो हम लोगों ने ये बात की, तो स्थिति ऐसी हो गई है कि इस जो कचरा जमा करने के लिए जो 20 स्थान नगर में बनाए गए हैं उन स्थानों को ही डंपिंग पॉइंट बना दिया है नगर परिषद ने। देश के सबसे 6% शहरों में सिवान का नाम है, छठे स्थान पर है, और पूरी तरह से लूट का यह केंद्र बना हुआ है। हम लोगों ने साफ तौर पर अपने लिखित प्रतिवेदन में कहा कि जो 59 लाख रुपया है इसका बंदर बांट होता है वह जनप्रतिनिधियों के बीच में, वह पदाधिकारियों के बीच में, वह कर्मचारियों के बीच में, और इसको अविलंब रोका जाए। जनता के गाड़ी कमाई का जो पैसा है उसे हर हालत में जनता के पैसे का इस्तेमाल होना चाहिए। हम लोगों ने इस बात को कहा जब, तो कार्यपालक पदाधिकारी ने एडमिट भी किया है कि आने वाले दिनों में हम डिस्प्ले करेंगे, जो सुपरवाइजर होंगे, जो एनजीओ के सुपरवाइजर होंगे उनका नंबर डिस्प्ले करेंगे। शहरवासी अगर चाहेंगे तो फोन करके उसको जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जानकारी दे सकते हैं कि हमारे इलाके के अंदर में कूड़ा इस तरह का बना हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि जो गाड़ियां जो चल रही है उन गाड़ियों पर स्टिकर लगाए जाएंगे, जो कूड़े के केंद्र जगह जगह बनाए गए हैं। दरअसल 20 केंद्र सिवान शहर के अंदर में कूड़े के बनाए गए हैं। वह केंद्र है कि कूड़ा वहां से उठा लिया जाना है, लेकिन वहां कूड़ा लाके गिराया जा रहा है। तो उसको उन्होंने कहा है कि हम उसको रख रखाव करेंगे, चारों तरफ से बैरिकेटिंग करेंगे, और हर हालत में हम इसको करेंगे, इसको सुनिश्चित करेंगे। इस बात को भी हम लोगों ने उठाया कि स्ट्रीट लाइट और हाई मास्ट लाइट की स्थिति बहुत ही भयावह है। मतलब कि मुख्य जो सड़कें हैं उसमें हाई स्ट्रीट लाइट नहीं जल रहा है, शहर के अंदर में कई हाई मास्ट लाइट नहीं जल रहा है।
शहर के अंदर में कई इलाके हैं, जैसे फतेहपुर से बंगाली पकड़ी का जो इलाका है, पाल नगर का जो इलाका है, मौली के बथान से लेकर बीजे आता तक का जो इलाका है, वो पूरा जल जमाव वाला इलाका है। उन्होंने कहा कि कल ही हम जेई को भेजकर उसको सर्वे कराएंगे और कई सारे मतलब हम मान के चलेंगे कल तक सिवान स्वच्छ हो जाएगा। नहीं, हम इस बात को तो हम चाहेंगे ही कल तक स्वच्छ हो जाए, लेकिन कार्यपालक पदाधिकारी ने कहा है कि हम इसको लेकर प्रयासरत हैं। उन्होंने कहा है कि अप्रैल महीने तक हम इसको पूरा हम कर पाएंगे, लेकिन हम लोगों ने कहा कि अविलंब इसको जितना जल्दी से जल्दी आप कर लें। और हम लोगों ने अभी कहा कि 10 से 15 दिनों के अंदर में अगर आप नहीं, अगर जो बोल रहे हैं उसको क्रियान्वयन अगर नहीं दिखाई पड़ता है तो फिर हम लोग फिर मिलने आएंगे और फिर आंदोलन की स्थिति तैयार करेंगे। कई जगहों पर उन्होंने कहा कि अपने भी हम जाएंगे, जैसे मालवीय चौक पर उन्होंने कहा है कल जाएंगे, आज से उन्होंने कहा है कि डंपिंग यार्ड जो बना हुआ है स्टेशन मोड़ वाला वो बंद हो जाएगा, और भी जगह जगह जो चौक चौराहे पर जो कूड़ा गिर रहा था उस पर रोक लगेगी, इस बात को उन्होंने आश्वासन दिया। कुछ लोग सोए हुए हैं और इन लोगों को जगाना है और ये लोग जगेंगे तभी कुछ होगा, तो विभाग के पास आए। और राहुल धर द्विवेदी जी जो है वो बोले हैं कि हम लोग 2-3 दिन के अंदर सब दौरा करेंगे, मेन मेन जगह है, उसके बाद मैं अपना प्लान उसको ठीक करूंगा, स्ट्रेटजी तैयार करूंगा कि क्या क्या करना है सिवान को सुंदर बनाने में, स्वच्छ बनाने में अपना वो अपना करेंगे। तो अगर इस पर आश्वासन जो दिए हैं यो साहब, उस पर अगर उनके द्वारा कार्य समाप्त नहीं हुई, किया नहीं गया, तो फिर हम लोग फिर मिल करके आंदोलन के रूप देंगे। कार्यपालक पदाधिकारी राहुल धर दुबे जी हमारे साथ मौजूद हैं। अभी जो जिला कांग्रेस कमेटी का जो प्रतिनिधिमंडल मिला है, क्या बातें हुई हैं, आइए इनसे जानते हैं। जी, अभी कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल के साथ मेरी बात हुई जो है, और सारे अच्छे पॉइंट्स अराइज किए गए और कूड़ा पॉइंट्स को लेकर के क्वेश्चन मैंने अराइज किया गया कि मैंने जो भी कूड़ा पॉइंट्स है उसको थोड़ा व्यवस्थित वे में लाया जाए, जो भी कचड़ा कूड़ा पॉइंट्स पे गिरा रहता है उससे उसमें जो है आम मवेशी जानवरों से जो है उसको सड़क पर बिखेरा जाता है, इसलिए भी ज्ञापन दिया गया। तो हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम कोशिश करेंगे कि वहाँ पर कूड़ा पॉइंट्स पे कूड़ा बिखरे ना, उसके पहले ही वो कलेक्ट कर लिया जाए एक मोबाइल वैन में। सेकेंडरी स्टेशन रोड पर जो कूड़ा पॉइंट जो बना हुआ है जिससे कि वहाँ पर कूड़ा का जमाव आए दिन हो जाता है, ऐसा संज्ञान में आया है, तो हम आज से ये प्रयास कर रहे हैं कि आज से उसको हम हटा देंगे, वहाँ अब स्टेशन रोड पर कोई कूड़ा नहीं रहेगा। और आने वाले दिनों में हम लोग एक डंपिंग साइट भी जो है डेवलप कर रहे हैं, सो देट हमारे सिवान शहर की जो भी कूड़ा की समस्या है उससे हम लोग निजात मिल जाएगी। हम लोग सिवान अभी कुछ सबसे गंदे शहरों में से एक शहर है, छठे नंबर पर अभी बातचीत चल रही थी, और उसी शहर के की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, तमाम तरह की बातें हुई शहर में गंदगी को लेकर के, अपना एक अपनी एक बात है, फिर नगर परिषद में जो भ्रष्टाचार को लेकर के पिछले दिनों जिस तरीके से मीडिया में खबरें चली हैं, तो आम शहरियों का जो एक भरोसा है नगर परिषद पर, सिवान पर, वो कहीं ना कहीं एक धूमिल होता हुआ दिख रहा है। आम लोग बात करते हैं, उम्मीद खो चुके हैं जिला नगर परिषद सिवान से। आप इसको कहां से इसको ले करके चलेंगे और आपकी रणनीति क्या है सर, के लोगों में विश्वास बहाल हो के जो है नगर परिषद सिवान अब वाकई दिल से काम करना चाहता है शहरवासियों के लिए। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस तरह का क्वेश्चन अराइज किया, और मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को ये बताना भी चाहूँगा कि निश्चित रूप से मेरा ये प्रयास रहेगा कि हर चीज़ जो है वो ट्रांसपेरेंट रहे, काम बेहतर हो, और मेरा ये पूरा प्रयास रहेगा और कोशिश रहेगी कि आने वाले दिनों में जो भी सिवान शहर का जो प्रदूषित शहर में जो स्थिति है उसको हम जो है उससे निकाल करके इसको स्वस्थ जो है अच्छे वातावरणयुक्त शहरों में मैं इसको गिना सकूँ, जो है ये मेरा प्रयास रहेगा जो है, और इसके लिए मैं लगातार कोशिश कर रहा हूँ, और अब और हम लोग त्वरित गति से इस पर काम करेंगे, निश्चित रूप से जो है इसमें हम लोग सुधार कर लेंगे, और जो भी कार्य होगा जो भी चीज़ें होंगी आप एकदम मैं अपने जनता से कह रहा हूं कि आप लोग निश्चिंत रहिए, सारे कार्य जो है मानक अनुसार होंगे और मैं पर्सनली उस चीज़ का सुपरविजन करूंगा। थैंक यू।